2 GB रैम है, 160 हार्ड ड्राइव है, ये मैं दे रहा हूँ 6,000 रुपये में। लेनोवो का मॉडल है R500 Go2Duo DDR3, 2 GB रैम है, 160 हार्ड ड्राइव है, ये भी 7,500 में दूंगा। जीनियन कलर है इसके, ठीक है। कोर i5 है, 3rd जनरेशन है, इसमें 4 GB रैम है और 500 हार्ड ड्राइव है। लेनोवो में बिजनेस बॉडी है, Go2Duo है, 2 GB रैम है, 160 हार्ड ड्राइव है, ये भी मैं 6 में दे रहा हूँ। 4 GB 500 GB के साथ 32 के रेट है, मैं 8 GB 500 GB के साथ 29 में दे रहा हूँ। LED स्क्रीन में Go2Duo है, इसमें 2 GB रैम है, 160 हार्ड ड्राइव है, इसके मार्केट प्राइस जो है वो 13,000 रुपये, ये मैं दे रहा हूँ 10,500 रुपये में। मेरे पास भाई Go2Duo में स्टार्ट है, 6,000 रुपये से स्टार्ट है और 14,000 रुपये तक की Go2Duo के अंदर मशीन है। वैसे मार्केट में इस वक्त 9,500 रुपये से स्टार्ट है और 16-17,000 रुपये तक के Go2Duo है। सही, मेरे पास 6,000 रुपये से स्टार्ट है। सबसे पहले कौन सा दिखाएंगे? सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा E6400 Go2Duo, इसमें 2 GB रैम है, 160 हार्ड ड्राइव है और ये मार्केट प्राइस इसके जो है तकरीबन 10,000-11,000 रुपये रेट है, ये मैं 7,500 में दे रहा हूँ। 7,500 रुपये में, ठीक। उसके बाद इसी रेंज में अगर लेते हैं दूसरे कंपनी में तो ये लेनोवो में मिल जाएगा आपको, इसमें DDR3 रैम है और ये 6400 में DDR2 है। ये लेनोवो का मॉडल है R500 Go2Duo DDR3, 2 GB रैम है, 160 हार्ड ड्राइव है, ये भी 7,500 में दूंगा। 7,500 में, ठीक हो गया। अच्छा, विद चार्जर जबरदस्त, सही है। इसके बाद ये ग्लोसी में आ जाते हैं, ये ग्लोसी बॉडी है, सही है। और इसके अंदर हमारे पास 3 कलर मिल जाएंगे, रेड ब्लू और ब्लैक। और इसके अंदर LED लगी हुई होती है, ये LED स्क्रीन में Go2Duo है, इसमें 2 GB रैम है, 160 हार्ड ड्राइव है, इसके मार्केट प्राइस जो है वो 13,000 रुपये, ये मैं दे रहा हूँ 10,500 रुपये में। अब हम आते हैं इस पर, ये सबसे लो बजट में मेरे पास मशीन है, सही है। ये डेल में एटम की मशीन है, ग्लोसी बॉडी है, रेड कलर पे, इस पर 2 GB रैम है, 160 हार्ड ड्राइव है, ये मैं दे रहा हूँ 6,000 रुपये में। वैसे इसके रेट 9.5-10 के रेट इसके भी हैं। अच्छा, 6,000 रुपये में, 6,000 रुपये में। इसके बाद फिर ये लेनोवो में बिजनेस बॉडी है, Go2Duo है, 2 GB रैम है, 160 हार्ड ड्राइव है, ये भी मैं 6 में दे रहा हूँ। 6,000 रुपये में Go2Duo विथ चार्जर। वैसे Go2Duo भी अभी 9.5-9 से कम के मार्केट में है ही नहीं। और अब हम इस पे आ जाते हैं, ये बड़ी प्यारी मशीन है, LED वाली मशीन है, ग्लोसी बॉडी में, वाइट कलर में, सोनी की मशीन है। इसमें DDR3 4 GB रैम लगी है और 160 हार्ड ड्राइव है, ये वैसे मार्केट प्राइस तो इसके 13,000 रुपये, ये मैं दे रहा हूँ 9,000 रुपये में। 9,000 रुपये में। और DDR3 रैम लगी है 4 GB इस पर। ज़बरदस्त। और कंडीशन भी आपके सामने है, ज़बरदस्त। यूज़ पे आते हैं ये सारे माल बाहर से, हल्के फुल्के स्क्रैच होंगे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि रिपेयर शुदा माल नहीं होता है। और ऐसे भी नहीं है कि हर पीस पे स्क्रैच होंगे, वो हल्के फुल्के आ जाते हैं, वरना फ्रेश कंडीशन में इंशाल्लाह माल आता है। ये i-सीरीज़ की है, 6th जनरेशन, कोर i5 6th जनरेशन, इसमें 8 GB DDR4 रैम है और 256 M.2 SSD है, टच स्क्रीन है, कोर i5 6th जनरेशन। ये मार्केट प्राइस इसके कम से कम भी 48,000 है और ये मैं दे रहा हूँ 39,000 में, 39,000 रुपये में। ज़बरदस्त, सही। और कंडीशन भी माशाल्लाह आपको अंदर बाहर से दोनों से चेक करवा के दूंगा, रिपेयर नहीं होगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी होगी, ठीक हो गया। इसके बाद शेरोज भाई, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये पड़ा एक कोर i7 3rd जनरेशन, इसमें 8 GB रैम है और 500 GB हार्ड ड्राइव है और 128 SSD है और ग्राफिक वाली मशीन है, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा है, NVIDIA DDR5 1 GB। ये मार्केट प्राइस इसके पता कर लें आप, 6530 मॉडल है, 32 के रेट है, ये मैं दे रहा हूँ 26 में, 26,000 रुपये में। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये लेनोवो पे आ जाते हैं। लेनोवो का ये पड़ा हुआ है मेरे पास E420 कोर i5 2nd जनरेशन, इसमें 4 GB रैम है, 250 GB हार्ड ड्राइव है, ये मार्केट रेट 2nd जनरेशन के कम से कम भी अभी 21-22,000 रुपये से कम नहीं है, ये मैं दे रहा हूँ 16,000 रुपये में। 16,000 रुपये में। और अब एक, इसके बाद हम ये ग्लोसी में आ जाते हैं, एसर में, ये नम पैड वाली मशीन है और कलरफुल है, ब्लू कलर पे, जीनियन कलर है ये।
सही है, कोर i3 है, सेकंड जनरेशन है, इसमें 4 GB रैम है, 320 हार्ड ड्राइव है, ये मैं दे रहा हूँ 14,500 में। 14,500 में ये मार्केट रेट, इसके कम से कम भी 19,000-20,000 रुपये से कम की चीज़ नहीं है। इसके बाद अच्छा आई सीरीज़ में आपको अगर ग्लोसी मशीन चाहिए, सही है, ये जीनियन कलर है इसके, ठीक है, कोर i5 है, थर्ड जनरेशन है, इसमें 4 GB रैम है और 500 हार्ड ड्राइव है, ठीक है, ये क्या प्राइस है? इसके मार्केट प्राइस ग्लोसी के अभी कम से कम भी 26,000-27,000 रुपये चल रहे हैं, ये मैं दे रहा हूँ 22 में, 22,000 रुपये में। ये कोटुडू डुअल कोर पे, सही है, एम डी डुअल कोर है, इस पर 2 GB रैम है, 160 हार्ड ड्राइव है, ये भी वही 10,500-11,000 रुपये के रेट है, ये मैं दे रहा हूँ 7,500 में, 7,500 रुपये में। कितना डिस्प्ले इसका? 14.4। इसके बाद ये रेड पे आ जाते हैं, ये भी कोटुडू की, ये ग्लोसी में मशीन है, सही है, इस पर 4 GB DDR3 रैम लगी है, 250 GB हार्ड ड्राइव है, ये मार्केट प्राइस इसके 14,000 रुपये चल रहे हैं, मैं दे रहा हूँ 10,500 में, 10,500 में। उसके बाद इस पर आ जाते हैं, ये कोर i5 है, 4th जनरेशन, इस पर 8 GB रैम लगी है, 500 GB हार्ड डिस्क से, डेल लैटिट्यूड 5440 मॉडल है, 5440 मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, ये मार्केट रेट कम से कम भी 4 GB 500 GB के साथ 32 के रेट है, मैं 8 GB 500 GB के साथ 29 में दे रहा हूँ, 29,000 रुपये में, जबरदस्त। इसके बाद फिरोज भाई, इसके बाद फिर इस पे आ जाते हैं, ये कोर i5 है, सेकंड जनरेशन, इस पे 4 GB रैम है, 250 GB हार्ड ड्राइव है, नमपैड वाली मशीन है, 15.6 LED है, सही, ये भी मार्केट प्राइस वही 21,000-22,000 रुपये से कम की नहीं है, ये मैं 18 में दे रहा हूँ, 18,000 रुपये में, 18,000 रुपये। इन सबका बैटरी बैकअप वगैरह क्या? इन सब की बैटरी बैकअप वीडियो नेट पे 1.5 घंटे की वारंटी होती है, नॉर्मल यूज़ पे 2 घंटे-2.5 घंटे की वारंटी होती है। अच्छा जी, और वैसे लैपटॉप ले जाने के बाद आपकी कितनी चेक इन वारंटी है? चेक इन वारंटी डेड डैमेज की कोई वारंटी नहीं होती है, रिपेयर नहीं हुआ वो होगा इस बात की हमारी गारंटी होती है, बाकी चेक इन वारंटी हम 15 डे की देते हैं, 15 दिन की। अच्छा, ये MD डुअल कोर की मशीन है, इस पे 4 GB रैम है, 160 हार्ड ड्राइव है, ये आपको पड़ेगी 7,500 रुपये की, 7,500 रुपये। और हमारी एक आदत है भाई, जो लगी हुई आती है ये भी नहीं है कि 2 160 के साथ पेयर लगा के 7,500 के रेट है तो उतने में बेचूं, जो लगा हुआ था उसी के साथ देता हूँ। इसके बाद ये आपको मिल जाएगा, ये MD का 3rd जनरेशन है, अच्छा, कलरफुल बॉडी है और जेन्युइन कलर है, सही है, प्रोडक्टर नहीं चढ़ा हुआ है, जेन्युइन कलर है, ठीक है। इस पे 4 GB रैम है और 250 GB हार्ड ड्राइव है, AMD 3rd जनरेशन है, ये आपको पड़ेगा 15,500 रुपये। और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम भी 18-19,000 रुपये से कम नहीं है। अच्छा। ये i3 सेकंड जनरेशन ले लें आप, AMD का 3rd ले लें, दोनों की सेम स्पीड होती है, ठीक है, लेकिन इंटेल की ज़्यादा डिमांड है, सही हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आ जाते हैं इंटेल कोटुडू में, इंटेल कोटुडू है, ये 15.6 वाली मशीन है, इस पर 4 GB रैम है, 250 GB हार्ड ड्राइव है और नमपैड कीबोर्ड है, ठीक है, LED स्क्रीन है, ये आपको पड़ेगी 11,000 रुपये की, 11,000। और इसकी भी वैल्यू मार्केट वैल्यू जो है कम से कम 14-14,500 रुपये रेट है। अच्छा, जो शेरोज भाई आप रेट दे रहे हैं, अगर कोई भी व्यूवर्स हमारा यहाँ पर आता है मार्केट जी में, जी, तो पहले बल्ले विजिट करके आपके पास है, कोई मसला नहीं, कोई की पूरी गारंटी है, रेट की पूरी गारंटी है। अच्छा शेरोज भाई, हमारे व्यूवर्स को आप अपनी शॉप का प्रॉपर एड्रेस और अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह गाइड करें जहां आपसे रابطہ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरे एड्रेस जो है MAGINA रोड सदर, सही है, नास प्लाजा गेट नंबर 4 और शॉप नंबर G141, ठीक है। फ़ोन नंबर जो है 03003547819।